Hi guys, welcome back to my channel Sonia, जहाँ पे मैं reaction videos बनाती हूँ. मेरी आज की reaction again जो video है वो है ईशान खट्टर. जैसा कि सबको पता है कि उन्होंने कभी debut movie का trailer निकाला है Beyond the Clouds. ये मैं trailer इसलिए देख रही हूँ because मैं कहीं ना कहीं शाहिद कपूर की क्रश ही रही हूँ. मुझे वो बहुत पसंद था और जब से पता चला है कि उनके भाई भी एक डेब्यू मूवी लेकर आ रहे हैं, जबकि ये ट्रेलर तो काफ़ी पहले से ही चर्चाओं में रही है, कंट्रोवर्सीज की बहुत ज़्यादा रही है, डायरेक्टर की वजह से भी रही है, बट स्टिल मेरा कहीं ना कहीं था टेस्ट कि मैं ये ट्रेलर देखूँ. और फाइनली जब इन्होंने कल परसों रिलीज़ कर ही दी है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे देरी करनी चाहिए ये ट्रेलर देखने में. सो पहले हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद काम कर लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. छोटा सा था मैं, तो माँ बाप गए कार एक्सीडेंट में. 13 साल का था मैं, बड़ा आदमी बनना था मेरे को, बहुत बड़ा. ए छोटे मोटर चला, चौथा वाला गियर डाल, तेज तू मगा. ओ सोच रहा हूँ एक हवाई जहाज खरीद लूँ. अरे की प्रॉब्लम है साला, पार्किंग किधर करेगा तू? मेरी गली में कर ले. चौथा वाला गियर डाल, कुछ दिन इन लोगों के साथ काम करेंगे, सेट हो जाएंगे अपनी जिंदगी. रॉकेट तारा नहीं पाला पोसा मुझे, मेरा कलेजा है तारा, मेरी जान है. तू क्या समझेगा प्यार क्या चीज होती है, कुत्ता साला. पैकेट दे जो छुपाने को दिया था. इतने लोगों जिसके बीच में घास ही नहीं आता. मैं संभाल के रखा है वो. संभाल के रखा सब किए कराए पे आगे मुंह दिया तूने कुत्ते. नाम क्या है? तारा निशा. अमीर अभी नहीं, चौकट ना रहे और अंडरग्राउंड रहना. साला छोड़ूंगा नहीं उसको मैं. कहाँ ले जा रहे तारा? कहाँ जा रहे हो तारा? क्या हुआ तारा, इसको कहाँ लेके जा रहे हो आप? मुझे नहीं मरना यहाँ में तारा, मुझे नहीं मरना यहाँ, नहीं मरना मुझे यहाँ पे तारा. ट्रेलर से ऐसा लगता है कि स्टोरी जो है ये स्लम एरिया से मैच है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई और भी स्टोरी आया हुआ है. आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है उस मूवी से. और दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो डायरेक्टर हैं वो माजिद मजीदी हैं, जो इंटरनेशनल के काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, और उनकी एज अ इंडियन में ये पहली मूवी है. और दूसरा, जैसा कि मैंने पहले भी अभी कहा है कि शाहिद कपूर के भाई हैं, तो ऑब्वियसली ईशान खट्टर को देखने तो लोग डेफिनेटली जाने वाले हैं. और मूवी में दम भी है, स्क्रिप्ट में काफ़ी अच्छा है, और प्लस ये भी है कि ए आर रहमान ने अगर म्यूज़िक दिया है तो ऑब्वियसली म्यूज़िक में तो कोई तोड़ हो ही नहीं सकता. आज भी उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक और वैसा भी नॉर्मल म्यूज़िक भी काफ़ी चलता है और लोगों को बहुत पसंद आता है. तो बस अब तक का मेरा यही था रिएक्शन और रिव्यू. अगर आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना. साथ ही अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब के मत जाना. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे. बाय गाइस, बाय.